दिमाग के हमारे शरीर में कितनी अहमियत है ये बताने की जरूरत नहीं है। आप लोगों को जानकर यह बहुत दुख होगा कि आप अपने दिमाग का उपयोग 1% भी नहीं करते हो और इसी वजह से आप अपनी दिमागी शक्ति को कमजोर कर लेते हो। चाहे आप एक स्टूडेंट हो या फिर चाहे आप शादीशुदा हो या फिर आप कोई भी काम करते हो, अगर आप लोगों को लगता है कि आपकी याददाश्त कमजोर है या बाकी लोगों की तरह आपका दिमाग काम नहीं करता, तो बिल्कुल सही वीडियो पर आए हो, क्योंकि ये वीडियो आज से आपकी जिंदगी बदल देगी। इस दुनिया में हर किसी को अपनी दिमागी शक्ति बहुत काम में आती है, क्योंकि दिमागी शक्ति के बल पर ही आज इतनी टेक्नोलॉजी और विज्ञान के क्षेत्र में हमारा देश इतना कुछ कर पाया है। और सबसे बड़ा फायदा ये है कि आज की दुनिया में अमीर बनने के लिए दिमाग का होना बहुत जरूरी है। तो समय को व्यर्थ नहीं गवाते हुए हम आज इस वीडियो में बात करेंगे कि आप अपनी दिमागी शक्ति को इस वीडियो के बाद कैसे बढ़ा पाओगे। तो वीडियो को आखिरी तक ध्यान से देखना और सुनना। शरीर की हर क्रिया का संचालन दिमाग के बिना संभव नहीं है। सांस लेना, मसल्स कंट्रोल, सोचना, समझना, याद रखना, हार्मोन्स का नियंत्रण, ये सारे कामों का संचालन मस्तिष्क से ही होता है। इसलिए हमारे भोजन का सबसे ज्यादा हिस्सा दिमाग के पोषण के लिए चला जाता है। दिमाग से कमजोर व्यक्ति समाज में काफी उपेक्षित होता है, इसलिए हर कोई अपने दिमाग की क्षमता बढ़ाने के प्रयास में लगा रहता है। हमारे दैनिक जीवन के बहुत सी आदतें ऐसी होती है जो हमारे दिमाग की क्षमता पर असर डालती है। अगर हम समय रहते उन आदतों को बदल ले तो हमारा दिमाग और बेहतर तरीके से काम कर सकता है। तो आइए जानते हैं कि ऐसी कौन सी आदतें हैं जिन्हें आपको अपने मस्तिष्क को बेहतर करने के लिए बदल लेना जरूरी है। पहली आदत है पूरी नींद जरूर ले। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन द्वारा किए गए एक शोध में ये कहा गया है कि जब हम सोते हैं तब हमारा दिमाग उसके एकत्रित सभी विषाक्त पदार्थों को बाहर निकालकर खुद को साफ करता रहता है। ऐसे में अगर हम कम सोते हैं तो उत्सर्जन की यह प्रक्रिया अधूरी रह जाती है। ऐसे में ये विषाक्त पदार्थ दिमाग की कोशिकाओं को नुकसान पहुँचाते हैं, इससे कोशिकाएं क्षतिग्रस्त होती रहती है और हमारा दिमाग अस्वस्थ हो जाता है। ऐसे में याददाश्त कमजोर होने जैसी समस्याएं सामने आने लगती है। दूसरी आदत है स्मोकिंग। धूम्रपान करने वाले व्यक्तियों के दिमाग की संज्ञानात्मक क्षमता बहुत कम होती है, ऐसा कई अध्ययनों से साबित हो चुका है। इसके अलावा धूम्रपान करने से याददाश्त होने, सीखने समझने की क्षमता में कमी होने की शिकायतें सामने आती है। धूम्रपान से डिमेंशिया और अल्जाइमर का भी काफी खतरा होता है, इसलिए हमेशा ध्यान ये रखें कि ये सारी रोज की आदतें आपके दिमाग पर बहुत बुरा असर डालती है। तीसरी आदत है अपने वीर्य को बचाओ। जब बड़े बड़े सक्सेसफुल लोगों से, बड़े बड़े साइंटिस्ट, एक्टर्स, क्रिकेटर्स से जब इंटरव्यू के दौरान पूछा गया कि आपकी कामयाबी का क्या कारण है, तो उन्होंने सीमेन रिटेंशन बताया, यानी कि अपने वीर्य को बचाना बताया। आजकल हमारे देश में बहुत सारे लोग 13-14 साल की उम्र से ही पोर्न और मैस्टरबेशन से अपना वीर्य बहाने लगते हैं, और क्या मिलता है उससे? कुछ नहीं। आप आज मानो या आने वाले 20 साल बाद मानो, आपको ये मानना पड़ेगा कि वीर्य सबसे अद्भुत धातु है, सोने चांदी से भी कीमती। आप अगर वीर्य बचा लेते हो, ब्रह्मचर्य का पालन कर लेते हो, तो आपको अपनी दिमागी शक्ति में बहुत प्रभाव पड़ेगा। वो कहते हैं ना कि वीर्य की एक बूंद से एक मनुष्य बनता है, जिसमें पूरी दुनिया जीत लेने की शक्ति होती है। तो सोचिए आपके दिमाग के लिए ये कितना लाभकारी होगा, क्योंकि वीर्य एकमात्र ऐसी धातु है जिसमें हमारे पूरे शरीर का सार होता है, पूरे शरीर का रस होता है। और मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आप अगर वीर्य बचा लेते हो तो आपकी दिमागी शक्ति में बहुत बदलाव आएगा। चौथी आदत है बहुत कम न बोले। विश्व स्वास्थ्य संगठन के एक अध्ययन के मुताबिक जो लोग कम बातें करते हैं उनमें ब्रेन डैमेज का काफी खतरा होता है। ऐसा इसलिए क्योंकि कम बोलने या सोचने से दिमाग की कोशिकाएं निष्क्रिय होकर सिकुड़ने लगती है। वही जब हम बातें करते हैं तब कोशिकाएं सक्रिय रहती है और उनकी कार्य क्षमता बढ़ती है। सोचना हमारे दिमाग के लिए एक तरह का व्यायाम है, इसलिए जितना ज्यादा आप सोचेंगे उतनी ज्यादा आप अपनी दिमागी शक्ति को बढ़ा पाओगे। पांचवी आदत है प्रदूषित जगहों से दूर रहे। हमारे दिमाग को अच्छी तरह से काम करने के लिए शरीर के अन्य अंगों की तुलना में 10 गुना अधिक ऑक्सीजन चाहिए होता है। वायु प्रदूषण वाली जगहों पर दिमाग को पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन की पूर्ति नहीं हो पाती, जिससे उसकी कार्य क्षमता घटती है। ऐसे में प्रदूषित वायु वाली जगहों से दूरी बनाकर रखें। छठी आदत है दिमाग का उपयोग करना सीखो। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो अपने दिमाग का थोड़ा सा भी उपयोग नहीं करना चाहते, और अक्सर लोग इसी वजह से अपनी दिमागी शक्ति को कमजोर करते हैं।
और मैं आखिरी बार आपको बताना चाहूंगा, जितना ज्यादा आप दिमाग का उपयोग करोगे उतना आपके दिमाग के कार्य करने की क्षमता बढ़ती जाएगी और फिर आप जीवन में जो कुछ करना चाहेंगे वो आसानी से कर पाएंगे। सातवीं आदत है ब्रह्मचर्य का पालन करो। आप लोगों को पता होगा कि ब्रह्मचर्य शक्ति हमारे जीवन में कितनी जरूरी होती है। 20 साल तक अपने वीर्य को बचाना, सेक्स ना करना, हस्तमैथुन ना करना और गंदा ना सोचना आपकी दिमागी शक्ति को चुटकियों में बढ़ा देगा। और ब्रह्मचर्य पालन से भी आप अपने दिमाग को 0 से 100 ले जा सकते हो। तुम आज से ही अपनी जिंदगी बदल सकते हो। दुनिया में कोई ऐसा काम नहीं होता जो मुश्किल हो। काम को मुश्किल हमारा दिमाग और हमारी सोच बनाती है। कई बार किसी छोटे से काम को लेके लोगों के दिमाग में ये चलता रहता है कि ये इम्पॉसिबल है, ये नहीं हो सकता। लेकिन कुछ लोग हिमालय पर्वत जितना मुश्किल काम भी हंसते हंसते पूरा कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि ये उनकी सोच होती है। ब्रह्मचर्य खुद ही एक बहुत बड़ी शक्ति है। अगर तुम दिल दिमाग से ये सोच लोगे, हाँ मुझे ब्रह्मचर्य के रास्ते पे चलना है, और ब्रह्मचर्य को मन से अपना लोगे तो फिर तुम्हें ब्रह्मचर्य कभी भी मुश्किल नहीं लगेगा। अब जरा सोचो, सिर्फ ब्रह्मचर्य के बारे में सोचने भर से तुम्हारे अंदर इतनी शक्ति, इतना विल पावर आ गया है। तो जब तुम सही में दिल से ब्रह्मचर्य को अपना लोगे तब तुम क्या क्या नहीं कर पाओगे। तो बस आज से मिशन ब्रह्मचर्य स्टार्ट कर दो। और एक इंसान ही तो है यार जो सब कुछ कर सकता है। ऊपर वाले ने इंसान के अंदर ही दिमागी शक्ति दी है जिसका उपयोग तुम कर सकते हो अपने घर वालों के लिए, अपने परिवार के लिए। और तुम्हारे अंदर भी ऊपर वाले ने वही शक्तियाँ दी है जो बड़े बड़े सफल लोगों में दी है। हाँ तुम कर सकते हो, यस यू कैन डू इट। अगर इस वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला है तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब जरूर कर देना। फिर से लौटेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।